स्वामी जी, यहाँ पे तो आपने बहुत सारे तरीके बताए जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना के लिए कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हुआ है। लेकिन हमने इन दिनों में देखा है, एक महीने का लॉकडाउन का समय बीत चुका है, बहुत सारे लोग अनुशासन में जी रहे हैं, कई लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन आया है, कई सारे टाइमिंग्स में बदलाव आया है, ना खाने का कोई टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मंत्र देंगे, उनके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जो अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ऊर्जावान महसूस हो? देखिए, एक तो योग को अपनी जीवन शैली बनाएं। एक योग होने से हम रोग मुक्त होते हैं, व्यसन मुक्त होते हैं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अशुचिता, जीवन पे जितने भी बुरी चीजें हैं उनसे हम छूट जाते हैं एक योग करने से। तो सुबह सुबह योग तो करें। योग करने से हमारी सारी आदतें भी अच्छी हो जाती हैं, नींद भी बहुत अच्छी आती है, सोचने का तरीका बदलता है, अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा खाता पीते हैं, अच्छे बोलते हैं। तो योग को तो अपनी जीवन शैली बनाए। हमारे सामने दो विकल्प हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, वी हैव टू ऑप्शन इन अवर लाइफ, वन इज योग एंड अनदर इज रोग। मैं बोलता हूं, इफ वी आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा। तो एक तो योग को अपनाएं। दूसरा, सुबह नाश्ते में अंकुरित लें, जितना हो सके मूंगफली से लेकर चना से लेकर के, मूंग से लेकर के, गेहूं से लेकर के, जितने भी दालें हैं उन सबको अंकुरित करके ले सकते हैं, मेथी को अंकुरित करके ले सकते हैं, तो अंकुरित ले। कभी ओट्स ले लिया, कभी दलिया ले लिया, कभी लौकी का जूस ही पी लिया। जिनको भी ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, मोटापा है, स्किन प्रॉब्लम्स है, फैटी लीवर है, उनको लौकी का जूस पीना चाहिए। ये लौकी का जूस रामबाण है, माने सैकड़ों औषधियां इसके अंदर हैं, एक लौकी के अंदर। तो ये लौकी जो है, ये हाइपरटेंशन से लेकर के, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के, ओबिसिटी, एसिडिटी, अब एसिडिटी बहुत ज्यादा है तो लौकी में एलोवेरा और थोड़ा सा इसके अंदर व्हीट ग्रास मिला दिया तो 100% एसिडिटी ठीक हो जाती है। लोगों को घरों में पड़े पड़े जो है, लोगों का डाइजेशन भी खराब हो रहा है, तो उनके लिए भी ये रामबाण है, तो लौकी का जूस पिए। जिनको डायबिटीज है, वे खीरा, करेला, टमाटर, मैंने ये तीनों चीजें अपने पास ही रखी हुई है, जिनको डायबिटीज है वो सुबह खीरा, करेला और टमाटर का जूस पिए, ये उनके लिए रामबाण का काम करता है, जबरदस्त है। फिर जो मोटे लोग हैं वो सुबह सुबह लौकी के जूस के साथ साथ ये तरबूजा मैंने मंगा के रखा हुआ है, आजकल मैं भी खा रहा हूं, वैसे भी गर्मी के लिए बहुत अच्छा है तरबूजा, ये डायबिटीज वाले भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, और मोटापा वालों के लिए तो औषधि है, लौकी पिए, तरबूजा खाएं, जब भी भूख लगे वैसे यही ले, बाकी चीजों को अवॉइड कर दें, मीठा, घी, तला हुआ सब, जब भी भूख लगे तरबूजा खाएं। और अभी मोटापा के लिए मैंने कपालभाति बताया, अभी पांच अभ्यास मोटापा के लिए भी बताऊंगा, डायबिटीज के लिए भी बताऊंगा, कमर दर्द के लिए भी बताऊंगा, वो अभ्यास कर लें तो एक महीने में 5 से 10 किलो वेट इजीली कम कर सकते हैं। और यदि सुबह सुबह गौमूत्र अर्घ पी लिया करीब 25 से 50 ml जो पीना चाहें, और ये दिन भर ये तरबूजा खाएं और प्राणायाम करें, अश्वगंधा, ये मेरे बाई और एक पौधा लगा हुआ है, ये भी एक संजीवनी है मोटापा वालों के लिए, 5 पत्ते सुबह, दोपहर, शाम, 5-5 पत्ते इसके खाली पेट खा लें, तो एक महीने में 5-10 नहीं 15 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रह करके। तो छोटी छोटी चीजें, मोदी जी ने भी अभी भी 2 दिन पहले भी बोला कि काढ़े पिए आयुर्वेद का, और प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, उससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। जैसे आपने अभी भी नेहा जी कहा कि इसके लिए कोई वैक्सीन तो नहीं, अपने शरीर को ही लड़ना होगा, और अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए अभी मैंने 5 प्राणायाम बताए अलग अलग बीमारियों के लिए, अब मैं 5-5 आसन बताऊंगा मोटापा के लिए, डायबिटीज के लिए, कमर दर्द के लिए। ये गिलोय जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक लता होती है ऐसे, इसमें 5 जैसे पत्ते होते हैं, मेरे बाई तरफ रखा हुआ इसका पौधा गिलोय, उसके पीछे तुलसी है, गिलोय, तुलसी, फिर ये काली मिर्च, सारा देश जानता है काली मिर्च, ब्लैक पेपर को कौन नहीं जानता, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी और अदरक, ये इसका काढ़ा पिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के, तो ये डायबिटीज से लेकर के बहुत प्रकार के रोगों से हमें बचाता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये 5 जीवनदायिनी जड़ी बूटियां भी मैंने बता दी है।